आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आवर क्वेश्चन इज अ सेमी सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल इनसाइड अ रेक्टेंगल इन सच अ वे सो दैट द डायमीटर सेमी साइड्स विद द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज 50 पाई देन व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 175, ऑप्शन सी 150 एंड लास्ट ऑप्शन डी 125। सो हमें एक रेक्टेंगल दिया है तो उसके अंदर एक सेमी सर्कल सेमी साइड्स करता है उसकी लेंथ पर। सो हमसे उस रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है जबकि हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिया गया है 50 पाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन का एक फिगर बना लेते हैं। हमारा रेक्टेंगल है कुछ इस तरह और इसके अंदर हमने एक सेमी सर्कल बनाया है कुछ इस तरह, यहां से वो इसके लेंथ पर सेमी साइड्स करता है। सो यह ए, यह बी और यह सी और यह डी। सो अगर हम ध्यान से देखें जो हमारे सेमी सर्कल की डायमीटर है वही हमारे रेक्टेंगल की लेंथ भी है। सो अगर हम यहाँ से अपने सेमी सर्कल की रेडियस निकाल लें तो हमारे पास हमारे रेक्टेंगल की रेडियस सॉरी हमारे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें मिल जाएंगी। सो हमें एरिया दिया गया है सेमी सर्कल का वो है 50 पाई। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिया गया है 50 पाई जो कि है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 के इक्विवेलेंट। सो अगर हम यहां से इसको सॉल्व करें तो पाई से पाई कट जाएगा और हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 100 और हमें यहाँ से हमारे आर की वैल्यू मिलेगी 10। सो हमें हमारे आर की वैल्यू रेडियस की वैल्यू मिल चुकी है जैसे दैट इज 10। सो हमारे जो रेक्टेंगल हमारा उसकी लेंथ हमारे सेमी सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। सो हमारे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ है हमारे डायमीटर के इक्वल। सो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी दैट इज 2r और हमारे r की वैल्यू है 10। सो हमारी लेंथ हमें मिली 20 और हमारी ब्रेथ हम कितनी है वो है हमारी रेडियस के इक्विवेलेंट। सो हमारी ब्रेथ है इज इक्वल टू रेडियस। सो हम वो है कैसे हम अगर हम ध्यान से देखें यहाँ तो जो ये है ये पार्ट है ये हमारा रेडियस ही तो है और ये हमारे बी सी के इक्वल है और ए डी के भी इक्वल है जो कि हमारी ब्रेथ है हमारे रेक्टेंगल की। सो हमारे पास हमें ब्रेथ कितनी मिली हमें वो मिली 10 जो कि है रेडियस। सो अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी और हमारे पास एल है 20 और हमारी बी है 10। सो यहां से हमें ये मिलेगा 200। सो 200 हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।